मैम छोटी घर में तो फिर वो कर देती कभी इधर उधर सामान। मैम छोटी बहन को दोष दे रही है। अच्छा वाह करम बात तुम्हारा। करती है मैम। आज उसने मेरी किट में ना एयरफोन्स डाल दी, फिर मैं उसको स्कूल ले गई थी। अच्छा, ये तो मासूम सी हरकत थी। इसमें क्या है, उसने दिया या छीना थोड़ी है कुछ, ये मैम वो ले भी लेती है। भी देखती है कितने साल की है। इतनी मैं अभी नर्सरी में पढ़ती है। मैम छोटी सी बच्चे में दोष लगाते शर्म नहीं आती तुम्हें ताने। सो बैड यार, ये तो बहुत ही बुरा था। है ही ऐसी तो। ऐसे मैम करो इसे डम, इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे बोलते शर्म नहीं आती तुम। क्या नाम है वैसे इसको, आपको उसको पता नहीं है ना, जब आप मिलोगे तब आप खुद ही बोल लोगे कि ठीक क्या बोल नाम रही है, थी मैम। नाम क्या है, अनिका, अनिका। अनिका। कितना प्यारा नाम है, छोटी कहीं की बच्चों पे दोष लगाती है। चलो तो आज हम कर रहे थे फोटोसिंथेसिस को। हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम लोग जितना भी रिवाइज कर सके साथ में करेंगे, ठीक है। तो रहेगा ये कि इस फ्राइडे हम जितना साथ में रिवाइज कर सकते हैं थ्रू क्वेश्चंस हम इसको रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे क्लास में, बिकॉज आई नो आप लोगों के पेपर चल रहे हैं ना, और वैसे चाहे तुम पढ़ो ना पढ़ो पेपर के लिए, लेकिन तुम हल्ला तो मचाओगे ना मेरे पेपर पेपर के। इसलिए कोई ये बच्चा ये ना बोल दे कि मेरे पेपर में नंबर कम आ गए क्योंकि बायो वाली मैडम ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। मैं आपका दोष नहीं लेना चाहूंगी, अपनी मेहनत से कम नंबर लाओ। तो अगले फ्राइडे आपका टेस्ट होगा क्लास में इसी चैप्टर का, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम साथ में भी रिवाइज करेंगे। कुछ ऑब्वियसली टॉपिक रह जाएगा, 1 घंटे में चैप्टर हो तो नहीं सकता है ना। तो जितना भी हो सकता है हम इसे करने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ पार्ट रह जाएगा उसको कवर करने के लिए मैं आपको वीडियोस भी दूंगी, जो है 1 वीक अच्छे से इसको और प्रिपेयर करने के लिए। एंड व्हाट वी विल डू इज हम अगले फ्राइडे क्लास में टेस्ट लेंगे। अब टेस्ट के क्वेश्चन कैसे होंगे, मैं PYQ नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे को पता चला कि तुम बड़े तेज हो यार, तुम मतलब गूगल कर लेते हो आंसर है, उसका क्या फायदा हुआ। तो मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के खुद से लाऊंगी, ठीक है। और अगर मैं मेहनत करके क्वेश्चन बनाऊंगी ना तो मेरे को अच्छे आंसर भी चाहिए उसके, समझ आई। मैम अगर मैं कष्ट करूंगी अपने इस शरीर को, अपने हाथों को, दिमाग को कष्ट दूंगी तो मुझे अच्छे आंसर भी चाहिए, ठीक है। तो मैं बनाऊंगी एनसीईआरटी से, ये मेरी गारंटी है। मैं एनसीईआरटी से, जो हम अभी बीच में कर रहे हैं 12th के ना, मैं बिना पढ़ाए एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन नहीं दूंगी क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया तो मुझे अनजस्टिफाइड लगता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें आना चाहिए सॉल्व करना, अंडरस्टैंडिंग होगी तभी कर पाओगे। सर मेक श्योर कि पेपर टफ हो। ऐसे ही बनाऊंगी कि 1 घंटे में आप लोग हाफ एन आवर वो पेपर करो एंड हाफ एन आवर हम उसको डिस्कस करके खत्म करते, ओके। सो नेक्स्ट फ्राइडे आपका होगा लाइव वाला पेपर, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड। सो आज इसको थोड़ा साथ में प्रिपेयर करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप जो पढ़ रहे हो सही से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। स्टार्ट करें फिर, यो मैम आइए। सो आइए, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, मैंने लिख रखा है, यो मैम बता रही हूँ रुक जा। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन जो बोल रहे हो बस वही करना है। क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट, 1 मिनट ओनली, चैट में आंसर देना है इसका। कल जो हमने बायोटेक के किए थे दैट इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज, उसको बायोटेक में फॉलो करेंगे। ये जो 11th का हम कर रहे हैं अलग तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन का चैट में आंसर दो, 1 मिनट यू हैव। मेरी घड़ी में टाइमर चल रहा है तुम्हें पता ही है। अरे वाह मनीषा, गुड। देखो ईमानदारी से देना। अच्छा तो इतने बच्चे पढ़ के आए हैं, कुछ पढ़ के आए हैं, ओके। शानी, मीनाक्षी, अरे मीनाक्षी नंबर बड़े ना कोई। दिनों बाद। आरुषि, अंकिता, अरे वाह अंकिता गुड। आयु, पल्लवी ने आंसर दिया। पूर्वा, दीक्षा, नेहा, हेलो नेहा, नेहा स्वाति, रितिका गुड। रुको अब देखो क्वेश्चन नंबर वन आपको क्या कह रहा है। मैं ना आपको उसी प्रेजेंटेशन से बनाऊंगी जिस प्रेजेंटेशन की मैंने रिकॉर्डिंग भेजी आपको, ताकि आप लोगों को नोट्स भी मिल जाए, ठीक है। एक्चुअल में जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे आफ्टर योर 12th का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, तब हम इसको नए से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी वही नोट्स को फॉलो करेंगे। तो देखो, वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लेडोफोरा इन ए सस्पेंशन ऑफ एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर के सस्पेंशन में उसने क्लेडोफोरा को कल्चर कर लिया और एलिमिनेटेड द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो क्लेडोफोरा का कल्चर था उसे एलिमिनेट कर दी लाइट, लाइट डाली प्रिज्म के थ्रू। प्रिज्म के थ्रू लाइट जा रही तो लाइट बाहर निकलेगी इस कल्चर से होती हुई। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेट मेनली इन द रीजन, ऐसे बनाते रीजन में,
लाइट गई, और लाइट जब भी स्प्लिट होती है तो कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है? अब यहाँ पे क्लेडोफोरा पड़े थे, इसके ऊपर उन्होंने एजिटोबैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा बैक्टीरिया कहाँ जाके इकट्ठा होगा, बैक्टीरिया वहां जाके इकट्ठा होगा जहां पर बहुत सारा कैसा बैक्टीरिया होता है, एजिटोबैक्टर, ऑक्सीजेनिक एनऑक्सीजेनिक होता है, एरोबिक एरोबिक होता है, वो वहां पर होगा। अभी जो क्लेडोफोरा है प्लांट है, तो कह रहे वो वहां पर इकट्ठा होगा क्योंकि वो है ना बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना खाता है, तो ये वहां जाके इकट्ठा होगा जहां पर ऑक्सीजन का अक्यूमुलेशन है। ठीक है, अब जो प्लांट है क्लेडोफोरा जो ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो तभी रिलीज कर पाएगा ना जब वो प्रोसेस करेगा फोटोसिंथेसिस। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से देखना चाहते थे कि जो ये विबग्योर की लाइट होती है ना, वायलेट ग्रीन येलो, इनमें से कौन सी लाइट की प्रेजेंस में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। मतलब तुम्हारे घर के पास पेड़ है, देखा है पेड़ किसी ने? पेड़ के ऊपर सूरज की रोशनी तो सारी गिरती है ना, व्हाइट लाइट गिरती है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होती है, जो प्लांट का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल लेता है और फोटोसिंथेसिस करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ब्लू और रेड लाइट होती है जहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। समझ आया? आंसर वुड बी डी। ठीक है, फिर हमने यही क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम थ्योरी को कवर कर सकते हैं। देखो जब आप अपनी बुक खोलोगे, सॉरी जब आप एनसीईआरटी कहाँ गया, हाँ जब एनसीईआरटी खोलोगे देन यू विल सी आपको इस चैप्टर में करना क्या है। यार आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है, टॉपिक बहुत सारे हैं लेकिन सीक्वेंस में चलते हैं। फोटोसिंथेसिस में आप फोकस करते हो बेसिकली कि पिगमेंट कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस के, जैसे देखो जो पढ़ के आए हो ना एनसीईआरटी, देखो अगर तो बिना पढ़े आए हो तो आज तुमको कुछ समझ नहीं आने वाला, सिर्फ क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा। ठीक है, अगर थोड़ा भी पढ़ के आए हो तो थोड़ा मजा आएगा। तो देखो तुमने पत्ता देखा है, पत्ता हरे रंग का दिखता है जनरली, कॉमन कलर है ना, उसके अंदर होता है पिगमेंट। क्लोरोफिल ए, ए हर पत्ते में है, क्लोरोफिल बी कैरोटीनाइड एंड जेंथोफिल, चार पढ़ने हैं, ए बी कैरोटीनाइड एंड जेंथोफिल। ठीक है, तो ये पिगमेंट्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ना होता है। फिर आपको ये पढ़ना होता है कि जब सूरज की रोशनी गिरती है तो एनर्जी बनती है। अब प्लांट में एनर्जी दो फॉर्म में बनती है, क्या नाम है उसका? एटीपी और एनएडीपी। तो देखो लाइट रिएक्शन में क्या है, कुछ नहीं है, लाइट रिएक्शन में बस ये देखना है कि NADPH कहाँ बना, और लाइट रिएक्शन की मदद से आपके कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस आती है जो आपको स्पेसिफिकली बताती है ATP कहाँ बना। तो आपको ATP और NADPH की यहाँ पे प्रोडक्शन दिखती है। ठीक है, उसके बाद आता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन देखो फोटोसिंथेसिस का पर्पस ये है कि सूरज की रोशनी गिरे और उससे क्या बने, खाना बने, राइट, लाइट बनाने का काम नहीं था उनका। तो सूरज की रोशनी गिरी, प्लांट ने पहले एनर्जी बनाई, मतलब मैं प्लांट हूं ना तो मेरे पे सनलाइट गिरी और मैंने एनर्जी बनाई एटीपी एनएडीपीएच। अब ये पैसे की मदद से मैं क्या करूंगी, ये पैसा दूंगी और खाना खरीदूंगी, तो मैंने पैसा दिया और बदले में मुझे खाना मिला, दैट इज ग्लूकोज, तो वो होता है डार्क रिएक्शन। समझ आई बात क्या हुआ है? डार्क रिएक्शन के बाद एक एक्स्ट्रा टॉपिक आता है कैम साइकिल। कैम साइकिल होता है जो डेजर्ट में प्लांट रहते हैं उनकी जिंदगी में अपने दुख है। कह रहे वो कह रहे तो हम पहले बहुत परेशान है, सूरज बहुत तेज है, कह रहे अब इतने सूरज में फोटोसिंथेसिस कर दे तो हमारे सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल मर जाएंगे, तो वहां पर कुछ स्पेशल साइकिल होती है। ठीक है, तो आपको इन्हीं साइकिल्स पे फोकस करना है इस चैप्टर में। अभी हमने जो पीछे करा ना क्वेश्चन, वो था आपका लाइट के ऊपर बेस, कि लाइट के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो वो पिगमेंट्स की बात करता है। तो अगर मैं पिगमेंट्स की बात करूं, इधर आते हैं, ये पिगमेंट कौन सा प्लांट में, ए बी कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। याद रखना ए आपको सेंटर में रखना है क्योंकि वो ए फॉर एप्पल, एप्पल सेंटर में रहेगा। इतना क्लियर है? अब देखो दो टर्म हो रही है, एक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। जो पीछे बना है ना कि रेड और ब्लू लाइट में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो था एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम में फर्क क्या है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगर पिगमेंट में क्वेश्चन आया ना, इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा। मैंने ये हिंदी में लिखा है, तुम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझो कि जैसे तुम प्लांट हो, ठीक है प्रीति, तो तुम एक ट्री हो, विशाल भी एक ट्री है, मैं भी एक ट्री हूँ, ओके, हम सब ट्री है। तो खुद को इमेजिन करो, ठीक है, अब मैं ट्री हूँ, ये मेरे सारे पत्ते जो भी है, ठीक है, अब मेरे पे सनलाइट गिरी, मेरे पे सारी की सारी व्हाइट लाइट गिरी ना, व्हाइट लाइट जो गिरती है उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट होते हैं। अब आ रही है, स्क्रीन भी नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन तो मैंने हटाई है, मैम दिख रही है, दिख रही है मैम, आप नहीं दिख रही ना, मैं दिख रही, दिख रही हूं मैडम, मैंने कितनी बार बोला क्लास में आने से पहले आंखें निकाल के ग्लास में डाल के पानी में घोल के वापस लगा के आया, पहले नहीं दिख रहे थे,
इतनी बार बोला मैंने आंखें धोके आ गए, ये नहाती नहीं है सिर से, इस वजह से इसको दिखती नहीं हूँ मैं। देख यार, देखो एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन समझना। एक्शन का मतलब काम करना और एब्जॉर्प्शन का मतलब किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना है ना, उसको कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। जैसे घर में घर वाले बोलते हैं आपको, अरे मैं सो रही हूँ स्क्रीन पे, तो मैं कर ही नहीं रही कुछ, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ से समझो, थ्योरी तो तुम पढ़ लोगे। देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, क्विक रिवीजन। अगर मैंने तुमको टिपिकल प्लांट पढ़ा दिया ना एक घंटे में, तो तुम सब अगले फ्राइडे आओगे नहीं, तो इसको थोड़ा मजे से पढ़ते हैं। हमने फ्राइडे क्यों रखा था 11 करने के लिए, थोड़ा मजे करेंगे थोड़ा पढ़ेंगे, ऐसे कर रहा था ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, मम्मी बोलते काम नहीं करती है ना, भाई बहन घर में और कोसते हैं, तो तुम वो सारी बातें एब्जॉर्ब करते हो, सुनते हो ना, अपने में लेते हो। काम नहीं करती ये वो, तुम कुछ सीरियस नहीं लेते, फिर मम्मी कहती फोन छीन लेंगे इसका, वो वाली बात हमने सीरियस ले ली, समझ रहे हो। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब कि तुम कुछ चीजें लोगे बाकी नहीं लोगे, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम है तुम काम क्या करते हो, तो सारी गालियां सुनने के बाद तुम कोई काम करते हो, नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर करते तो हम उसे कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम का मतलब है मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम प्लांट में क्या है, मैं पेड़ हूँ, जैसे तुम पेड़ हो, खुद को इमेजिन करो, लगे हुए हो, अब तुम पे सनलाइट गिर रही है, वो तो व्हाइट कलर की है ना, अब व्हाइट कलर अगर टूटेगा तो कितनी लाइटों में, कितने कलर्स में टूटता है, इंद्रधनुष के साथ रंग। अब इंद्रधनुष के साथ रंग मेरे पत्तों पे गिरे, लेकिन मेरा पत्ता क्या है, इसका अपना एटीट्यूड है, कहता मैं स्पेसिफिक लाइट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस करूंगा, तो वो सबसे ज्यादा वो सात रंगों में से कौन सा रंग एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो तुम कौन सी वाली गाली सबसे ज्यादा सुनते हो, जिसको सीरियसली लेते हो, एक तुमसे तुम्हारा फोन छीन लेंगे, दूसरा तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देंगे। सिमिलरली प्लांट कौन सा सुनता है, रेड एंड ब्लू, तो रेड एंड ब्लू लाइट वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा रेड और ब्लू लाइट में होती है, ये क्लियर है। हाँ प्रीति बोलो बोलो। अगर कुछ लीव्स पे रेड और ब्लू मतलब गिरेगी तो उन लीव्स में डिफरेंस भी होगा अदर लीव्स के कंपैरिजन में। देख रेड और ब्लू ही सिर्फ गिरेगी ना तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, तो फिर फोटो पिगमेंट की ब्लीचिंग हो जाती है, जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा कुछ भी मीठा भी हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है ना, तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए तो तेरे को फर्क दिखेगा नो डाउट, लेकिन उसके बाद ना क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल खराब हो जाएगा, टूट जाएगा इतनी सारी एनर्जी से, तो सारे का मिक्सचर गिनना ही जरूरी होता है, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए फर्क मिलेगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन सा लाइट का स्पेक्ट्रम है, मतलब कौन सा लाइट है जहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस दिखेगी आपको, ब्लू एंड रेड। तो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर मैं बनाऊं तो आपको कैसा दिखेगा उसका ग्राफ, ऐसा स्क्रीन नहीं दिख रही, मेरी गलती सॉरी, दिख रही देखो ऐसा नहीं है कि दूसरी लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, लेकिन मैक्सिमम दो लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, रेड एंड ब्लू के, तो इनकी तो ऐसे पीक बन जाती है। ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है लेफ्ट हैंड साइड पे मिला, देखो तो ये पीक आपको बता रही है कि फोटोसिंथेसिस 450 टू 650 नैनोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। ये इनकी वेवलेंथ है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ होता है, तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वाई एक्सिस पे, और एक्सिस पे आपका लैम्डा है कि कौन सी वेवलेंथ लाइट की, ठीक है। अब आता है एक्शन स्पेक्ट्रम, तो मेरे को बताओ जो वेवलेंथ जो कलर की लाइट प्लांट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस वो किसमें करेगा, ध्यान से सुनना, जो कलर की लाइट प्लांट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो देख के बताओ कि प्लांट सबसे ज्यादा काम कौन सी कलर की लाइट में प्रेजेंस में करेगा, दोबारा बोलते प्लांट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, जो वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन सी कर रहा है, तो जिसमें वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहता है, अगर मैं उसको ग्राफ में बना दूं तो उसको मैं कहती हूँ एक्शन स्पेक्ट्रम, दिख रहा है आपको रेड एंड ब्लू, ठीक है। वेवलेंथ के नीचे लिखी है लगभग 400 टू 700 नैनोमीटर आती है, तो लास्ट ग्राफ आप देखोगे थर्ड नंबर पे तो आपको दिखेगा ये दोनों ग्राफ एक जैसे दिखते हैं, दिख रहे हैं,
वो मैंने एक्सपेरिमेंट में क्लेडोफोरा वाले एक्सपेरिमेंट में एजिटोबैक्टर जहां जाके लग रहा था वो क्या बता रहा था आपको कि एक्शन स्पेक्ट्रम कहाँ है, मतलब कौन सी वेवलेंथ में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो उसकी मदद से एक्शन स्पेक्ट्रम बना था और ये ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देता है। तो कंक्लूजन ये निकालना है कि रेड एंड ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है और वेवलेंथ कौन सी रहेगी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। क्लियर है? क्लोरोफिल एक का जो मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, वो बीच में बैठा होता है क्योंकि सारी वेवलेंथ की लाइट इस पे गिरेगी ना तो ये टूट सकता है। तो इसके आसपास बाकी सारे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे आपने भी मॉलिक्यूल पढ़े ना, ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब इसके आसपास होती है। ये पता क्या करते हैं कि लाइट लेते हैं ऐसे जंप कराते हैं उसको। अब तुम्हें अगर तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है तुमको इतना पता होगा कि व्हेनेवर कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिट है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइटेड होता है तो हायर ऑर्बिट में चला जाता है। जब भी वो वापिस आता है वो एनर्जी रिलीज करता ना। देखो जब सनलाइट आती है ना, जैसे ज़ेंथोफिल पे गिरी तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और वो अगले वाले ज़ेंथोफिल मॉलिक्यूल को दे देगा, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं ना तो इनसे एनर्जी रिलीज होती है और एट द एंड क्लोरोफिल ए के पास एक प्रॉपर एनर्जी पहुंच जाती है। समझे? तो ये था एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 5, जहां ना समझ आए मुझे टोक देना। फिफ्थ करो, 40 आंसर्स आ जाएंगे ना, मैं पढ़ा दूंगी। 40 आंसर्स चाहिए मुझे, तो सिंसियरली कर लो, तुमको जितना आता है। अच्छा ओके, अब हमारा बेसिक क्लियर होगा इस क्वेश्चन से। करो तुम्हें जैसा आता है, गुड। जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मतलब तो अपनी मेहनत से करो, देख नहीं रहो, और देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये इजी है यार, हम ऐसे कर लेंगे बातों बातों, पता भी नहीं चलना। अरे किंजल आ गई तुम, साक्षी, नीलम, 40 आंसर्स नहीं आए मुझे, भेजो भाई जल्दी, जितना देर करोगे तुम्हारे लॉस है। चलो मैं तुम्हें रिड्यूस कर देती, 20 कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अच्छा ठीक है 20 आ गए। ओके देखो, स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन, उसके पास क्या होता है, बस ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्यादा सवाल पूछ गए उनसे। एक आपको लोकेशन पे क्वेश्चन आया, लोकेशन अपने पास यहाँ पर है, इसे कैसे समझेगी मैं यहाँ समझा देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट इज अ इज एन ऑर्गेनेल, सेल का ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैं इसको आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ऊपर से देख रहे हैं हम इसको, तो क्लोरोप्लास्ट है, हम उसके ऊपर ऐसे उसको झांक रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो पूरा अंदर का लिक्विड पार्ट है, पहले तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये सेल वाले में आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात पता है। अरे मना भी नहीं कर सकते, अब तो बोल दिया इन्होंने, ठीक है। अब इसके अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म होता है, आप उसको बुलाते हैं स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं, स्टोमा। अब इसके अंदर रखो सिक्के, सिक्का पड़ा किसी के पास आसपास? हाय मैं तो बोलना भूल गई, ले आना सिक्का, लाए हो किसी के पास पड़ा सिक्का? यो यो मैम, मैं बेटे भाग के सिक्का ले आओ, एक कॉइन ले आओ, भाग के जाओ, एक दो कॉइन ले आओ, एटलीस्ट एक तो ले आओ। अरे जिसके पास नहीं उसको तो लाने दे बाबली। मैम ले आ रही। अच्छा देखो, अब ये क्लोरोप्लास्ट है पूरा का पूरा सेल के अंदर पड़ रहा है, आपको प्लांट सेल में मिलेगा। अब इसके अंदर एक सिक्का बना देते अपा, ठीक है। एक सिक्का है अपने कॉइन को देख, इसको अपा बोलेंगे थैलेकोइड, ठीक है। सो दिस इज अ थैलेकोइड। अब तुम उस सिक्के को देखेगी बेटा, तो जो सिक्का है उसके आसपास रिम है ना, उसकी ऐसे छू सकती है ना उसके कॉर्नर को, ध्यान से देखना, वो मोटी सी लाइन है सिक्के पे ऐसी। यो यो मैम, ऐसा होता है थैलेकोइड, इसकी भी एक मेम्ब्रेन होती है। अब एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रख दे, सिक्के पे सिक्का रखिएगा, तो एक को मैं थैलेकोइड बुलाती हूँ, और अगर पूरे हम सिक्के के ऊपर सिक्का रखते चले जाए तो इसको हम क्या बुलाएंगे? ग्रेना।
ग्रेना ग्रेना शाबाश ठीक है जी। अब क्या होता है ऐसे बहुत सारे सिक्के पड़े होते हैं, क्लोरोफास बहुत अमीर है कहते हैं मेरे पास बहुत सिक्के हैं, तो इसके पास एक और सिक्कों का ऐसे ही कॉइल है, देखो मैंने येलो कलर से भी दिखाने के लिए बनाया था सेम ही है ठीक है। अब ये जो कॉइन्स के जो बंडल्स है ना दो ऐसे ब्रिजेस, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है एक ब्रिज के थ्रू ठीक है, आराम से उसके ऊपर से चल के जा सकते हो, इसको अपन कहते हैं स्ट्रोमा लैमिला, ये जरूरी है क्योंकि लेबलिंग में आएगा ये मेरा स्ट्रोमा लैमिला। बेटा बात ये है कि क्लोरोप्लास्ट में अपन क्या कहते हैं, क्या पड़ा होता है कौन सा पिगमेंट, राइबोसोम, राइबोसोम तो होते हैं, कौन सा पिगमेंट पड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट। ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल और नलाइको इतना बेसिक पढ़ाऊंगे तो नहीं आज की जीवन में नहीं हो पाएगा चैप्टर ये बेटा। क्लोरोफिल, अरे देखो ना कलर तो तुम भरते हो ना तो फिल करो, इट्स अ पिगमेंट, तो बेटा पढ़ा कहाँ है क्लोरोफिल का पिगमेंट, ये सिक्कों के कोने में हाथ लगाओ जहाँ तुम हाथ लगा रहे हो ना यहाँ पड़ा होता है समझ आई। यो मैम यो मैम, सेंटर में क्या है अपने वाले सिक्के पर तो महात्मा गांधी जी है, इस वाले सिक्के में ल्यूमन है ठीक है, सेंटर में ल्यूमन है, क्लोरोफिल का क्लोरोफिल कॉर्नर्स पर भरा होता है, अब इमेजिन हो जाएगा बेटे लाइट को अब्सॉर्ब कौन करता है प्लांट में, पिगमेंट करता है पिगमेंट करता है, पिगमेंट तो थैलाकोइड के कॉर्नर्स पे है, स्ट्रोमा में मैंने पिगमेंट बनाया नहीं बनाया ना, यस ठीक है। तो अब इस बात को हम अच्छे से समझेंगे कि लाइट और डार्क रिएक्शन का ये चक्कर क्या है, देखो लाइट रिएक्शन का मतलब है कि सीधी सीधी सनलाइट लेंगे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, जो फोटोसिंथेसिस है, अब अगर मैं फोटोसिंथेसिस भी बोलूं तो देखो फोटोसिंथेसिस हमारी जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन ना। लाइट रिएक्शन क्या करती है, मैं पेड़ था तो मैंने सनलाइट लेके सबसे पहले क्या किया था, एनर्जी, हाँ एनर्जी कौन से फॉर्म में बनाई थी, एक तो एटीपी थी और दूसरा डीपीएस प्लस एच पॉजिटिव है ना, और जब मैंने पैसे बना लिए थे, एनर्जी इज मनी ना फॉर प्लांट, जब मैंने पैसे बनाए थे तो मैंने उसकी मदद से क्या खरीद लिया, खाना, यस, डार्क रिएक्शन, फूड सिंथेसिस, फूड सिंथेसिस में बेसिकली सिंपली मतलब है क्या बना दिया अपन ने, ग्लूकोज फॉर्म, ठीक है जी। अब देखो लाइट रिएक्शन तभी होगा जब सनलाइट ऊपर गिरेगी, और डार्क रिएक्शन तभी होगा जब एटीपी और एनएडीपीएच बनेंगे और उसे मिलेंगे, ये बात क्लियर है मैं, बेशक डार्क रिएक्शन लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लेकिन उसके बिना भी तो हो नहीं सकता ना, अगर लाइट बननी बंद हो जाए, पैसे आने बंद हो जाए तो डार्क रिएक्शन चल ही नहीं पाएगा, ये मानते हो, आप लोकेशन की बात करें तो नीट बहुत क्वेश्चन पूछता है लोकेशन पे, आपको पी वाई क्यू बहुत मिलेंगे, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगा जहाँ पिगमेंट है, बेटा पिगमेंट का है थायलाकोइड मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नहीं होना, और बेटा डार्क रिएक्शन को सीधा सनलाइट तो अब्सॉर्ब करनी नहीं है तो वो कहाँ होता है, इट हैपेंस इन स्ट्रोमा, 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 ये बात क्लियर है, ये लिख लिया, ये बना लिया, ये देखो यही वाली पॉइंट यहाँ लिखा है कि यहाँ पर होगा लाइट रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस की बात चाहिए तो बड़ा वाला स्टेप आ गया, छोड़ो ये रहा, फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है ठीक है, ये वाली बात यहाँ लिखी है। अब आके क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स कंटेन, अब जो स्ट्रोमा है उसके पास कैसे एंजाइम्स होंगे, हाँ वो लाइट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, लाइट से बनने वाले प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, तो आपको कौन से एंजाइम मिलेंगे, लाइट इंडिपेंडेंट, अब मैं तुमको, हाँ बोलो 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 मैम, जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा लैमेली पे होती है, नहीं 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 स्ट्रोमा में होती है, लैमेली पे नहीं होती, इस वाले रीजन में होती है ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली पे जो रिएक्शन होता है वो तो होती है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ओके वो अलग प्रोसेस है, ये नहीं होता। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 15 करके बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 17 तो दिख नहीं रहा, 15 करो। अब मैं तुमको एक और चीट वाला वो बना के दिखाऊंगी। शाबाश, वेरी गुड गुंजन। देखो को चीटिंग वाला हम पेज बनाते हैं, मजा आएंगे। एरी एरी एरी, ये देखो तनिष्क इतनी देर से आई है, बताओ यार मेरे से सर्कल क्यों नहीं बनता, चक्कर क्या है? मैं नहीं बना रही सर्कल, मेरे से नहीं बनता। बताओ पत्तों से पूरा खाना बन गया, मेरे से सर्कल नहीं बन रहा। बेटा जो लाइट रिएक्शन है उसने किया क्या है, उसने सिंथेसिस करनी है किसकी, वो सिंथेसिस करता है एटीपी और एनएडीपीएच। तो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, मैं इसको थायलोकॉइड में बना देती हूँ, ठीक है? सो दिस इज द थायलोकॉइड मेम्ब्रेन। इसको ये क्या करेगा, इसको चाहिए क्या बाहर से? इट नीड्स सनलाइट, एंड इट ऑल्सो नीड वॉटर, ह्यूमन के अंदर वॉटर होता है। तो मैं यहाँ पे वॉटर बना दू, बाहर से नहीं बनाऊंगी मैं, अंदर बना दू, ठीक है? सनलाइट और वॉटर की मदद से इट सिंथेसाइज वॉट, क्या क्या सिंथेसाइज करेगा? एनएडीपीएच प्लस प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी मिलता है, ठीक है? ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव आउट हो जाता है, हम कंज्यूम कर लेते हैं। बाकी एनएडीपीएच एंड एटीपी कहाँ यूज हो जाता है? डार्क रिएक्शन में। एंड डार्क रिएक्शन इज बेसिकली C3 साइकिल, जिसे हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। एनएडीपीएच और ये सब लेता है, प्लस वो एक और चीज लेता है एनवायरमेंट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, और बदले में क्या बना देता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ बन गया। तो ऑक्सीजन, तो लाइट रिएक्शन, अब ये वाला पॉइंट जो है ध्यान से देखना सारे, देखो ये वाला जितना भी स्ट्रक्चर है ये लाइट रिएक्शन का है। तो मुझे बताओ लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या क्या है? तान्या, एनएडीपीएच, एटीपी और ऑक्सीजन। वेरी गुड। और बेटा डार्क रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट है दिया? मैं तुमको जेड शेम करवाऊंगी, मजाएगा मजाएगा। मोहित क्या हुआ, ताली चाहिए, ले आते जे कर चल। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो। गुड सर ना, वेरी गुड अंकिता, गुंजन, आरुषि, स्वाति, गुड साक्षी, पलक, कृतिका, मीनाक्षी, शगुन, नीलम, नीता, नेहा, रमिता, भूमि, विशाल, दीक्षा, तान्या, बहुत जल्दी जवाब दिया अर्चना, पायल, भूमि, मोहित, स्नेहा, आंचल, किंजल, जगदीश, निप्रीत, गुड सपना, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हो, प्रिया, और अलग अलग आंसर दे रहे हो, ये इंटरेस्टिंग है, मैं सोच रही हूँ, मजा आया मेरे को। प्रीति, प्रीति कहती सबसे अलग आंसर मैं दूंगी, अरे हद हो गई। अरे जय माता दी सी। प्रकृति, शीता, डन, चल आओ। अब हम करेंगे जेड शेम, कौन से वाले में जेड शेम? इस वाले फोटो में है जेड शेम, इस वाले में तो नहीं लग रही। कुछ नहीं हो ना, सिंपल सा ही, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। देखो
अब मैं कर रही हूँ फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले आपको चाहिए सनलाइट, क्यों? अब मैं आपको थैलो का थोड़ा बड़ा करके बना दूं। देख ये मेरा थैलोकोइट है और इसके सेंटर में है ल्यूमन और ये इसकी मेम्ब्रेन है जहाँ पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है। अब ऐसे नहीं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल बाबलों की तरह बिखरे पड़े हैं, तुम्हारे कपड़े थोड़ी है अलमीरा में कहीं भी बिखरे पड़े हैं, ऐसा नहीं है, इकट्ठे होके बैठे हैं वो। उनका काम है कि सनलाइट को सिर्फ पकड़ना है, अलग अलग हो जाएंगे तो सनलाइट तो बिखर जाएगी, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। जहां पर वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ध्यान से बात सुनना मेरी, जहां पर ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट कॉन्सेंट्रेटेड है उनको हम बोलते हैं फोटोसिस्टम। तो फोटोसिस्टम 1-2 तुमने बहुत सुना होगा ना, वो होता कुछ नहीं है, वो बस होता है कॉन्सेंट्रेटेड पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, एक साथ बैठे गुट बना के कि हाँ भैया फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब ये याद रखना है कि पहले वाला कौन एक्टिवेट होता है फिर कौन। सबसे पहले जो एक्टिवेट होता है वो फोटोसिस्टम 2 है। देखो अगर 1 ही एक्टिवेट होता कितना इजी हो जाता ना 1 और 2, पर ऐसा नहीं है। तो अगर मैं पेड़ हूं और ये मेरा पत्ता है, इसके ऊपर सनलाइट गिरी, तो कौन सा फोटोसिस्टम पहले एक्टिवेट होगा? वो होगा फोटोसिस्टम 2। इसकी डिस्कवरी सेकंड नंबर पे हुई थी पर ये काम फर्स्ट नंबर पे करता है, तो नाम का थोड़ा मिसनोमर है। फोटोसिस्टम 2 एक्साइटेड होगा पहले, पर ऐसा नहीं है कि फोटोसिस्टम 1 पे लाइट नहीं पड़ेगी, तो फोटोसिस्टम 1 भी एक्साइटेड होगा, ठीक है। ऑर्डर याद रहेगा? ये हाथ को पत्ता समझो, इस पे सनलाइट गिरी, पहले फोटोसिस्टम 2 एक्साइटेड हुआ फिर 1 एक्साइटेड हुआ। एक्साइटेड होने का क्या मतलब है? तुम लाइट डालोगे, सारी चीजें बनी तो एटम से ही है ना, सभी तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे जब लाइट गिरती है ना तो वो हो जाता है बावला, मोर की तरह नाचता है वो, कूद के जाता है, इट्स लाइक लाइट डाली हुई जंप कर दी उसने, उसने बस यही करना है, हमने यही समझना है लाइट रिएक्शन में, ठीक है। और एक आपको चाहिए पानी का मॉलिक्यूल, बिना पानी के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। पानी कहाँ होता है? नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट, पानी होता है ल्यूमन की तरफ, लेकिन ल्यूमन में भी कहाँ होता है? फोटोसिस्टम 1 की तरफ या 2 की तरफ? वो होता है 2 की तरफ होता है। हाँ, तो सनलाइट ने किया क्या? सनलाइट के 2 काम है, देखो सूरज हुआ मध्यम, ठीक है। तो सूरज ने किया क्या? सूरज ने 2 काम किए। पहला, सूरज नाम के हम किसी बच्चे को नहीं जानते, उसने क्या किया हमें नहीं पता, हम अपने वो वाले सूरज की बात कर रहे हैं, जब हम बाहर जाते तो हमारा तंदूरी चिकन बना देता ना वो, उसकी बात है ना। मेरी बॉडी इतनी गर्म रहती, समटाइम आई एक्चुअली फील कि अगर मैं बाहरों भरी गर्मी में अप्रैल के महीने में हैदराबाद आ जाऊँ तो मेरा तो तंदूरी चिकन बन के पंजाब जाएगा, पंजाब वाले खा भी जाएंगे नींबू नमक डाल के। नंबर 1, सनलाइट क्या करती है? ब्रेक्स वाटर, पानी को तोड़ना पड़ेगा, जिसको कहते हैं हम लाइट की मदद से ब्रेक हो रही है ना तो फोटो, और ब्रेक हो रही है तो लाइसिस, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो सबसे पहला स्टेप एक्चुअली फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, जो ये ना हुआ ना तो कुछ ना हो पाएगा, पहला पानी है क्योंकि जल है तो कल है, पता नहीं बात। दूसरा ये कहता है एक्साइटेशन ऑफ फोटोसिस्टम 2, पहले करेगा फोटोसिस्टम 2 देन फोटोसिस्टम 1, ये बात समझ आई? तो पानी की लाइसिस हुई तो ऐसा क्या बहुत बड़ी बात होगी? इतना लिखा आप लोगों ने, तो पानी टूटना तो हुआ क्या? पानी टूटने से क्या हुआ? देखो अगर सनलाइट सिर्फ गिरती फोटोसिस्टम 1 पे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता और इसका इलेक्ट्रॉन वापिस नहीं आता अपनी जगह, उसने चले जाना था फोटोसिस्टम 1 के पास। तो ऐसे थोड़े टाइम के पास फोटोसिस्टम 2 के पास वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते। तो उसने कहा कि मैं अपना, इट्स लाइक मैं अपने पैसे तुम्हें तब दूंगा जब मेरे पास कोई इनकम सोर्स हो, मींस मैं कुछ खरीदने के लिए तब जाऊंगी जब मेरे पास जॉब हो और सैलरी आ रही हो, राइट? इलेक्ट्रॉन इज लाइक मनी फॉर इट, अगर सैलरी नहीं होगी तो फिर कैसे सर्वाइव होगा ना। तो उसने उसकी अरेंजमेंट कैसे करी? पानी से, जब वाटर ब्रेक होता है सनलाइट की प्रेजेंस में तो उससे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, इसलिए हम लिखते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 4 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं और क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तो बेटा जो ऑक्सीजन तुमको मिलती है पानी से मिलती है, देख रहे हो, पानी और ऑक्सीजन ने जिंदगी संवारी और पानी से ही ऑक्सीजन आई है। कितना क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन ना बारी बारी करके फोटोसिस्टम 2 के पास आते हैं, उसको कहते हैं तो टेंशन मत ले, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होने देंगे। ना समझ आया? सबसे पहला स्टेप था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, क्योंकि अगर जॉब नहीं होती सैलरी नहीं आती तो मैं लैपटॉप ही नहीं खरीद पाती ना, तो पढ़ाते ही ऐसे मत हुए, समझ आया? द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी, व्हाट वुड बी द आंसर? A.
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्लियर बोलो मैम हम्म तो आप दिन में भी और कोई काम क्या आप दिन में कोई और काम करती हो कि हमारी क्लासेस लगाने के अलावा फिर दोबारा बोल समझ नहीं आया कि आप कोई और काम भी कर रही हैं कि हमारी क्लासेस लगाने के अलावा हां एक साथ तो बोलने से मुझे समझ में आता है तुम क्या बोल दो मैम ये बोल रही है कि आप दिन को कोई अवंती की क्लासेस लेते हो क्यों भाई क्यों बताऊं झाड़ू पोछा काउंट होता है क्या घर का बताओ जल्दी जल्दी बता होता है क्या हाँ भाई मैं बहुत काम करती हूँ अरे क्या हुआ ये मैम ये क्या हो गया कैटाबॉलिज्म क्वेश्चन आ गया मारे अच्छा क्यों क्या करना तूने ये बता हमने भी ऐसे पूछ रही थी ऐसे पूछ रही थी नहीं बेटा दिन में मैं अभी तो नहीं करती कोई काम क्या बोल रहे हो तुम हजी आगे मुझे कुछ सोच के कोई वंती से बैठे सोच रहे मैं भी काम करते हो क्या यू आर फायर्ड dual employment is a criminal offense अगर कोई क्लेम कर देना तो दिक्कत हो जाती है उसे रिकॉर्डिंग के लेक्चर में पूछ रहे आप कोई और काम भी करते हो क्या ये नौकरी गिरवाएगी मेरी बाहर रहते हो इसलिए पूछा क्या बोल रही हो बेटा जैसे आप घर से बाहर रहते हो इसलिए पूछा नहीं मैं घर के अंदर हूँ मैम नहीं अपने जैसे क्या अपने जैसे मैम आपने बोला ना कि मैं हैदराबाद में रहती हूँ अच्छा अच्छा रीजन पूछ रहे हो मुझसे इतनी दूर क्या कर रही हो तुम अच्छा मैंने बताऊं तो माय रीजन अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ अकेली आके यहाँ पे कैसे सरवाइव करती ना तो मैं उसके साथ आई थी मॉरल सपोर्ट के लिए बढ़िया लगती है मेरी जगह अच्छी जगह है साउथ बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे इफ्टीजिंग नहीं होती है पर ये बहुत बड़ी बात है ईस्ट में भी नहीं होती और यहाँ भी नहीं होती है मतलब ईस्ट में जहाँ आप ऊपर चले जाओ अगर शिलोंग मेघालय की तरफ वहां नहीं होती है इफ्टीजिंग यहाँ पे भी नहीं होती है इफ्टीजिंग लोग मतलब रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं वुमेन को कुछ एरियाज होंगे मे बी पर अभी तक तो मैंने जितना घूमा है हुई नहीं तो मुझे साउथ बहुत अच्छा लगता है मैं रात को भी आ जाती हूँ तो दिक्कत नहीं हुई मुझे अभी तक चलो इधर आओ भाई सनलाइट गिरी क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ये रहा मेरा फोटो सिस्टम टू अब ध्यान से सुन लो ये खत्म हो जाएगा ठीक है फोटो सिस्टम करके जाओ फोटो सिस्टम टू इसका इलेक्ट्रॉन हुआ एक्साइटेड ये करके जंप हुई ऊपर गया तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा था फियोफाइटीन ध्यान से सुनना अच्छा लिखा है यहाँ बैठा था एक फियोफाइटीन नाम तुमको याद करने पड़ेंगे मैं थोड़ा थोड़ा करा सकती हूँ ठीक है अब इस एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा लेकिन ज्यादा देर पकड़ नहीं पाएगा तो वो उसको नीचे भेज देता है कि जा फोटो सिस्टम वन के पास भाग के जा जब वो उसको नीचे भेजता है ना तो कौन कौन से रास्ते में उसको पकड़ते हैं हमें वो करना है तो मुझे बताओ क्या सब जानते थे प्रियंका चोपड़ा कौन है मिस वर्ल्ड बनने के बाद जानते थे उससे पहले से जानते थे मिस वर्ल्ड बनने के बाद है ना जब वो क्वीन बन गई तब सब जानते हो ना तो उसको कैसे याद रख सकते हैं कि जब प्रियंका चोपड़ा क्वीन बन गई क्या उसे क्वीन सो वो हो गई एफ से फेमस और जब वो फेमस होगी तब हमें पता चला कि पीसी से प्रियंका चोपड़ा नाम की कोई हीरोइन है राइट इस ऑर्डर में याद रख सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा जब क्वीन बनी तब वो क्या हो गई फेमस होगी और इसलिए हम जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा कौन है राइट तो इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्डर में मूव करता है क्लियर अब यहाँ पे फोटो सिस्टम टू के बाद अब पहुंच गए फोटो सिस्टम वन पे इतना क्लियर अब फोटो सिस्टम वन पे क्या हुआ फोटो सिस्टम वन पे जब वो पहुंचा ये इलेक्ट्रॉन ये बैठा था ये भी फोटो सिस्टम वन के लोगों से मिलता लेकिन उतने में सनलाइट तो उस पर भी गिरी तो ये दोबारा से क्या हो गया उड़ गया लेकिन ऊपर इसको फिर तो संभाल नहीं पाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो उसको कहते हैं दफा हो जा लेकिन वो इस बार उसको जहाँ भेजे है ना वहां पर कोई बैठा होता है उसके लिए ठीक है तो आपको पता है एफडी क्या होता है कभी बैंक में सुना है एफडी होता है फिक्स्ड डिपॉजिट हाँ अगर आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिए 5,000 आपने उसकी एफडी करा ली
एक साल के लिए, तो एक साल तक ना आप अपने 5,000 रुपए निकाल नहीं सकते। फिर एक साल के बाद आप 5,000 रुपए निकालोगे तो बैंक उसके ऊपर आपको थोड़ा इंटरेस्ट देगा, मे बी 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा, तो वो 6,000 होंगे। उसको हम कहते हैं एफडी। तो एफडी का मतलब होता है आप कहीं भेज दो और वो चीज वहां फिक्स हो जाती है, पैसे फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दर बदर ठोकरे खा रहा था इलेक्ट्रॉन, ये फाइनली पीएस सिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे गया और वहां से उसने उसे एफडी पे भेज दिया। एफडी स्टैंड फॉर फिरोडॉक्सिन, समझ आया। ये छोटे छोटे रास्ते में एंजाइम और पिगमेंट आए, तो फिरोडॉक्सिन के पास जब इलेक्ट्रॉन आया ना, उसने कहा रुक, तेरी मदद से ना मैंने एनर्जी बनानी है, तो अब वहां पे एनर्जी बनेगी। तो देखो ये प्रोसेस कैसे होता है, यह दिख रहा है आपको, ये जेड यहाँ तक दिखा आपको, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, ऊपर गया, 3 स्टेप में नीचे आया, फाइनली यहाँ पहुंचा फिरोडॉक्सिन। फिरोडॉक्सिन के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा ना, देखो थैलोकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर तो नहीं होता, लेकिन थैलोकोइड की मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा रीजन है? स्ट्रोमा। तो ध्यान से देखना मैं क्या बना रही हूँ, बहुत ध्यान से देख लेना, अभी खत्म हो जाएगा। ये है मेरा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की तरफ एक पड़ा होता है हमारा एंजाइम, इसका नाम क्या है? NADPH synthase, ना एक बार चेक कर लो, synthase है ना, हाँ synthase, NADPH synthase। तो ये एंजाइम पड़ा है स्ट्रोमा की तरफ, पहला नीट का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन पड़े होते हैं वहां पे, वो भी ले लेता है, और उनकी मदद से यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा है NAD और उसको चेंज कर देता है ये NADPH plus H+। अब मेरे को बताओ ये जो NADPH plus H पॉजिटिव बना, ये कौन सी साइड बना, थैलोकोइड मेम्ब्रेन में या स्ट्रोमा में? स्ट्रोमा में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बावलों की तरह उछल रहा था, ये जाना कहाँ जाता था? स्ट्रोमा में। ये जाना चाहता था फिक्स डिपॉजिट कराने, फिक्स होने जाना चाहता था, तो ये एफडी के पास लास्ट पहुंचता और वो फिर उसको NADPH सिंथेटेज के पास पहुंचता है। और इसका पर्पस क्या था लाइफ में, बनाया क्या इसने? समझ आया ये बात, सबको क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी एनर्जी कौन अब्सॉर्ब करता है, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर तो बन गया हमारा क्या, हमारी यहाँ पे एनर्जी बन गई NADPH, पर मैंने क्या बोला था लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बन गई यहाँ पे, बनी? इस रिएक्शन में ऑक्सीजन कहीं पे बनी थी पहले? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में ऑक्सीजन बनी थी, NADPH प्लस H पॉजिटिव बन गया, ATP नहीं बना ना, तो लाइट रिएक्शन के लिए ATP चाहिए अब आपको, राइट। तो करो क्वेश्चन नंबर, लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 41, ट्राई दिस, अब फिर हम ATP से बनाएंगे। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, PYQ लगाओगे ना दुनिया जहान के क्वेश्चन मिलेंगे, तो ATP वाला ट्राई करो 41। अरे वाह, पढ़ के आयो इसका मतलब, गुड मैम। इसका डी थोड़ा अलग लगा बस। ओह इतनी इनोसेंटली आंसर दिया इसने, चल कोई बात नहीं, तो समझा के भेजूंगी मैं फिर। देखो 41 कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस थ्योरी बोल रहा है ना, ये आपको बताएगा हाइड्रोजन आयन कैसे बना, आप ध्यान से देखना, ठीक है, अभी रिकॉल हो जाएगा जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। देखो मेरे से फिर नहीं बना यार ये, ऐसे नहीं बनना मेरे तो। ये कौन है, मीनाक्षी बेटा, अब क्या करेगी आके, अब तो निकल ली गाड़ी। ला। कल मेरी फ्रेंड केक नहीं लेकर आई यार, उनका ना आपका बर्थडे था? मेरा बर्थडे नहीं था, वो किसी के बर्थडे पे गई थी, मैंने सिखा के भेजा था केक लेकर आई हो, कोई पूछेगा मैं क्यों नहीं आई तो बोल दूं मैं बेचारी भूखी प्यासी बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे केक लेके आना था लेकिन ये ऊपर से कहीं
शावरमा लेके आ गई, वो शावरमा खा के मेरे अभी तक पेट में दर्द है, पता नहीं कहाँ से लेके आई थी वो। तो आपने बोला था मैं उसको घुसने नहीं दूंगी अंदर। यार वो तो वैसे ही बाहर वो आते आते उसको 11 बज गए तो उसको लेके लेने मुझे जाना पड़ा, उसे कुत्तों से डर लगता है ना रास्ते में, वो खड़े होते हैं, उसको लेके तो मैं ही आई थी। बताओ बहादुर हूँ मैं ऐसे तो। देखो यार ये तो ऐसा लग रहा है किसी की आंखें बन गई। पानी को तोड़ेंगे और यहाँ से निकालेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और निकालेंगे 4 हाइड्रोजन आयन और 4 हम लोग निकालेंगे सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ लुक लुक एट दिस, ये जो हाइड्रोजन आयन है ल्यूमन में इनका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन का ल्यूमन में अमाउंट बन गया। हाइड्रोजन को हम कहते हैं प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो पहले हाइड्रोजन का अमाउंट ल्यूमन में कैसे बना ध्यान से सुन लो, ये कॉन्सेप्ट खत्म करके लेक्चर एंड करूंगी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बीच में नहीं छोड़ने वाली मैं। तो हाइड्रोजन आयन का पहले अमाउंट कैसे बढ़ा, पहले उसका अमाउंट बढ़ा ल्यूमन में थ्रू वाटरलाइसिस, फोटोलाइसिस हुई ना इसकी, ठीक है। तो बाहर बाहर कौन सा रीजन है, स्टोमा बेटा। हाइड्रोजन क्या होते हैं, अगर तुमको एटीपी बनानी है ना तो तुमको इस हाइड्रोजन को घुमाना पड़ेगा, एज सिंपल एज। अब हाइड्रोजन ना स्टोमा में ज्यादा है, अंदर कम है, मेरे को अंदर ज्यादा करना है अमाउंट, ये अपना टारगेट है। तो पहले तो पानी तोड़ के हाइड्रोजन आयन का अमाउंट बढ़ गया। दूसरा कब बना आपको यहाँ याद है, यहाँ क्या सीक्वेंस थी, पहले क्या लिखू, पीक्यू या पीसी, साइटोक्रोम D6F और फिर पीसी। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा होता ना पीक्यू से साइटोक्रोम B6, उस टाइम पे ये जो साइटोक्रोम B6 है ना बाहर से हाइड्रोजन आयन लेता है, एनर्जी होती है इसके पास, इसको ना एक्चुअली क्या होता है, साइटोक्रोम B6 जब फेमस हुई थी ना प्रियंका चोपड़ा, तो जब वो फेमस हुई थी क्वीन बनने के बाद, तो फेमस होना बहुत नेगेटिविटी थी ना, इलेक्ट्रॉन साथ में आया, फेमस होने पे नेगेटिविटी भी आती है, तो उसने अपने आपको पॉजिटिव करने के लिए बाहर से हाइड्रोजन आयन ले लिया। पर फिर वो सुपरस्टार हो गई तो उसको किसी की जरूरत ही नहीं थी, अकेले काफी थी, तो फिर वो अंदर फेंक देती है। तो व्हाट हैपन इज साइटोक्रोम B6F हाइड्रोजन आयन को बाहर से लेता है और उसको फिर अंदर ल्यूमन में कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तो दूसरा क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हो गया है ना, प्लास्टोक्विनोन, उसके बाद साइटोक्रोम B6F। लास्ट जब स्टोमा की तरफ यहां पर बना था ना NADPH, NADPH से बना था, NADPH एक हाइड्रोजन ये प्लस एच पॉजिटिव, दो हाइड्रोजन तो इसने भी लिए, इसने हाइड्रोजन कहां से लिए, इसने भी तो स्टोमा से लिए थे ना, राइट। तो बेशक ये हाइड्रोजन ल्यूमन में नहीं आया, एग्री, लेकिन हाइड्रोजन आयन स्टोमा में तो कम हुआ ना। अल्टीमेटली इन थ्री स्टेप्स में क्या होता है, देखो ये सब कुछ थ्योरी लिखा है, NADPH प्लस एच पॉजिटिव फॉर्म एन एच पॉजिटिव डिक्रीज इन स्टोमा। तो अल्टीमेटली तुम्हें एंड प्रोडक्ट क्या मिला इन सबसे, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे होगी, ह्यूमन में, ह्यूमन ह्यूमन हाँ, और हाइड्रोजन कम कहाँ होगे, स्ट्रोमा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कहता है मेरे ल्यूमन वापस दो। जब ये होता है ना तो एक चक्की जलती है थैलोगोइड की मेम्ब्रेन में और उस चक्की को बनाते हैं हम, यहाँ बनाऊ, तो ये नीचे वाले पॉइंट लिख लिए, लिख लो तो मैं इसे मिटा दूं, लिख लो, इसने नहीं लिखा प्लीज लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा ठीक है, सबने ले लिया, वैसे सारी सब थ्योरी इसमें लिखी है, मैं फिर भी लाइफ पढ़ो तो देख लो। तो यहाँ पे चक्की चलती है, चक्की के दो पार्ट है, एक को हम बोलते हैं F0 CF0 और एक को बोलते हैं CF1 पार्टिकल, ठीक है, और टुगेदर हम इसको बुलाते हैं ऑक्सीजोन। ये आपको सारे टर्म मिलेंगे PYQ में, ठीक है। चक्की कैसे चलती है, ये कहती है हाइड्रोजन आयन को मैं ल्यूमन से निकाल के स्ट्रोमा में फेंकूंगी। तो पहले अब मान लो ये F0 है, ठीक है, और F1 पार्टिकल यहाँ बना लेते हैं, ऐसे बना ले, तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ये F0 है और ये F1 पार्टिकल है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन आएगा, जैसे ही हाइड्रोजन आयन आएगा ये F0 जो है ना वो ऐसे रोटेट करेगा इस तरीके से, पूरा जैसे ऐसे घूमता है ना चक्की, इस तरीके से घूमेगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन आएगा ये ऐसे घूमेगा और हाइड्रोजन आयन इसको क्रॉस करता हुआ F0 पार्टिकल से जू करके बाहर निकलेगा, ठीक है। तो F0 से F1 की तरफ जाएगा हाइड्रोजन आयन और जू करके बाहर निकलेगा। जब वो बहुत तेज जाता है ना तो वो एनर्जी रिलीज करता है,
उस एनर्जी को ट्रैप करा जाता है। तो देखो ये कैसे हुआ, ध्यान से देखना। सिंपली हाइड्रोजन आयन आया, जूम करके निकला एफ नॉट एफ वन पार्टिकल से बाहर की तरफ। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो एनर्जी रिलीज करता है। जब भी चीज कोई जोर से मूव करती है एनर्जी तो आती है, तुम जोर से भागो तुम्हारे शरीर से गर्मी निकलेगी, एनर्जी रिलीज होती है ना। हाइड्रोजन जब है उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसी टाइम स्ट्रोमा की तरफ, याद रखना स्ट्रोमा की तरफ ही एनर्जी बनेगी। एडीपी एक फॉस्फेट को ले लेता है और चेंज हो जाता है इंटू एटीपी। और ये जो प्रोसेस है ना, जो ऑक्सीजोम की मदद से आपने एनर्जी बनाई है और ये जो सारा हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को आपने बढ़ाया, इसे हम कहते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो पहले ये हाइपोथेसिस थी कि एटीपी ऐसे बनता है, फिर ये कंफर्म हो गई, तो अब तो ये थ्योरी होगी। हाइपोथेसिस मतलब मेरे को लगता है ऐसा होता है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। थ्योरी मतलब हमने इसको टेस्ट कर लिया लैब में कि ऐसा ही होता है, तब तो ये होता ही है, लेकिन उस टाइम जब रिलीज हुई थी तब हाइपोथेसिस थी। तो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आपको बताती है कि तीन बार हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमन में ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रोमा में कम, तो हाइड्रोजन आयन जब जूम करके मूव करेगा तो एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो लाइट रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनते थे, पहला माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो वो कैसे होती है, ये कैसे चल पाती है, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएंट। यहाँ पे कौन सा है, हाइड्रोजन आयन, राइट। तो ये सेम चीज ना माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, वो हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो इसके बाद का क्वेश्चन तो नहीं पाओगे, ये मेरा था लाइट रिएक्शन वाला पार्ट, राइट। कोई डाउट किसी को? हाँ नीलम बोलो 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 बेटा। मैम एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। सारे चुप करो यार, उसका क्वेश्चन ही सुना मुझे, बोल बेटा दोबारा बोल। सॉरी एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट का मतलब है कि बेटा इसका आंसर वही था, डी प्रोटॉन ग्रेडिएंट। ये डी प्रोटॉन ग्रेडिएंट, क्लियर है? ठीक है चलो, ओके सो दैट वाज ऑल। अगले फ्राइडे आपका जितना मैंने पढ़ाया उसका टेस्ट लूंगी, बाकी की मैं